नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं मैम, ये लैंप यहाँ पर गिरा पड़ा था और ये चेयर, इसने मुझ पे हमला किया था। और मैं बताती हूँ, और ये बेड हवा में होगा, ये अलमारी डांस कर रही होगी। नहीं, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब मेरे सामने हुआ था। तो ये भी तो सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही है ना, सारी की सारी चीजें वैसे की वैसी है। मैं सच कह रही हूँ, या तो तेरी आंखें खराब है, या तो फिर दिमाग खराब है, या तो फिर दोनों खराब है। हाँ मैम, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। देखिए, छोटी मोटी बात होती तो मैं देख लेता, लेकिन हूँ तो आया था यहाँ पे। माँ माँ, इसको बोली ना अपनी बकवास बंद करे, बिना मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। मैं पागल हो जाऊंगी इसकी बातें सुन के, मुझे अपने राजवीर के पास भी जाना है। कितना वक्त हो गया, मैंने उसे छुआ नहीं, उसके साथ मैंने कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है अब, सिवाय इस पर ध्यान देने के। इसके बारे में सोचो तुम कि क्या करना है इसका। मैं इसके बारे में क्यों सोचूंगी, मैं अपने राजवीर के पास जा रही हूँ बस। राजवीर के बारे में एक भी शब्द मत कहना। बहुत मासूम है वो ऐसे किसी को नहीं मार सकता, मैं जानती हूँ उसे। उसकी मासूमियत पे ही तो फिदा हूँ। अब मैं उसके पास जा रही हूँ। मंजुलिका, मंजुलिका, कधरे, क्यों उकसाया मंजुलिका को राजवीर के पास जाने से? क्यों भेजा उसे? रोक नहीं सकता था? राजवीर, राजवीर, आपको उसकी पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी। माँ, अगर आप मेरी बात पहले सुन लेती ना, तो ये सब होता नहीं मेरे साथ में। और आपको पता है, आज रात में आकर वो मुझे मार डालेंगे, और जब मैं मर जाऊंगा, मेरी लाश आपको मिलेगी ना, तब आपको यकीन होगा कि मैं सच बोल रहा था। अरे मेरे बेटे, तेरे अंदर पिशाचनी का खून है, पिशाचनी का बेटा है तू। कितनी बार बोलूं मैं तुझे, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो लोग जिनकी तू बात कर रहा है, वो मर चुके हैं। हाँ, और वो अब मुझे मारना चाहते हैं। आप क्यों नहीं समझ रही मैम, आप दोनों के जैसे मेरे अंदर वो जादू शक्ति नहीं है कि मैं उड़ उड़ करके अपनी जान बचा लूं। और मैं प्लीज मर वर के भूत भूत नहीं बनना चाहता, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। पूरी जिंदगी बाकी है मेरी, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है। चुप करेगा, रुक। ये ले, भस्म रख, भस्म है इसमें। तेरे सामने जो भी आए ना, उसके ऊपर फेंकना, छिड़कना थोड़ी सी भस्म। अगर वो आत्मा है तो भाग जाएगी, नहीं तो इंसान होगा तो भागेगा भी नहीं। तो तू निपट लेना उससे। मुझे मंजुलिका के पास जाना होगा, उसे रोकना होगा राजवीर के पास जाने से, वरना उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों ने मिलकर राजवीर को मारा है। और उसके बाद तू जानता है अपनी बहन को, इसीलिए हाँ भस्म छिड़कना आत्मा पे। लेकिन लेकिन मेरा क्या? भस्म, तुम क्यों रुकी, अंदर आओ। नहीं राजवीर, मैं भी छिप जाऊंगी तो सौदामिनी और मंजुलिका सोचेंगे कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे बाहर जाने दो, मुझे उनका सामना करने दो, उनका ध्यान बटाने दो। लेकिन परी, तुम ऐसे कैसे? राजवीर प्लीज, मैंने तुम पर पहले भरोसा किया ना, तुम्हें वो सब करने दिया ना जो तुम करना चाहते थे। अब तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा राजवीर। मैं पहले भी सौदामिनी और मंजुलिका का सामना कर चुकी हूँ, उन्होंने पहले भी मुझ पर वार किया है और मुझे कुछ नहीं हुआ, और आज भी मुझे कुछ नहीं होगा। वादा करो, जब तक मैं तुम्हें मंदिर के बाहर नहीं बुलाऊंगी, तुम नहीं आओगे। वादा करो प्लीज। अब तुम जाओ, जल्दी से छिप जाओगे। कितनी प्रार्थना की तूने और मैं आ गई, तूने बुलाया और मैं आ गई। पता है, बहुत मिस किया मैंने तुझे, अपने राजवीर को कितना मिस किया मैंने। पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे
मैं इंसान नहीं हूं तो मुझे दर्द नहीं होता। इंसानों से दूर जाने के लिए तकलीफ नहीं होती। लेकिन आज सारे दर्द दूर हो जाएंगे। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है परी, क्योंकि अब मुझे मेरा प्यार वापस मिलेगा। मेरा राजपी, अब मैं तेरे अंदर फिर से आऊंगी। तैयार है? चल। राजबीर, तुमने परिधि से वादा किया था तुम बाहर नहीं जाओगे। नहीं, राजबीर, 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 इतनी रात को राजबीर कहाँ जा सकता है? कहीं इस परिधि ने जानबूझकर मेरा राजबीर मुझसे दूर तो नहीं कर दिया? अब ये परिधि ही बताएगी कि मेरा राजबीर कहाँ है। जल्दी बता कहाँ है। तुझे नहीं पता राजबीर कहाँ है? हाँ, जल्दी बता कहाँ है वो। अरे क्या पूछ रही है? अरे प्रेम में दीवानी हो गई हो तुम। मार डालना, सामने खड़ी है ना वो। मैं तो पहले ही मार डालती इसे। लेकिन नहीं, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम आजाद होकर इसे मारोगी तो तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। लेकिन तुम होगी प्रेम की भाषा और बातें कर रही हो। मार डाल इसे। मां तसल्ली तो मुझे तब मिलेगी जब मैं अपने राजबीर के साथ एक रात बिताऊंगी। जीने दे से आज रात हो, कल सुबह होते ही से मार दूंगी। बता राजबीर कहाँ है। देख, अगर तूने अभी मुझे नहीं बताया तो मैं खुद जाके पता कर लूंगी वो कहाँ है। उसके बाद मैं अपना प्यार तुझे वापस भी नहीं लौटाऊंगी। बता कहाँ है वो। तू जानना चाहती है राजबीर कहाँ है? तो सुन, सच क्या है। प्लीज नहीं राजबीर, प्लीज। माँ, माँ ये क्या कर रही हो आप? वो मुझे मेरे राजबीर के बारे में बता रही है। आप नहीं चाहती कि वो मुझे मेरे प्यार के बारे में बताए? आप अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहती हो क्या? मतलब सौदामिनी नहीं चाहती मंजुलिका को पता चले राजबीर अब नहीं रहा। मैं यहाँ पर तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं बस इसके बारे में सोच रही हूँ। अरे बहुत खतरनाक औरत है ये। इतनी बार मैंने मारने की कोशिश की लेकिन ये मरती ही नहीं। जरूर कुछ ताकत है इसमें। अगर इसे हमने जिंदा छोड़ दिया ना तो ये पलट कर हम पर वार करेगी, हमें खत्म कर देगी। मार डाल इसे मंजुलिका, मार डाल। हाँ तो मार देना। क्यों मेरे नाम के पीछे अपना गुनाह छुपा रही है तू? हाँ बता दे राजबीर कहाँ है। तेरी माँ ने मेरे राजबीर को मार दिया, जान ले ली तेरी माँ ने मेरे राजबीर की, मेरे पति का खून कर दिया, कर दिया। ये जो कह रही है क्या वो सच है? मेरे सामने से हट। माँ, मैंने पूछा हाँ या ना, मैं जवाब दो। क्या आपने मेरे राजबीर को मारा? हाँ, हाँ, मारा।